करनाल रह गया है हमसे जस्ट 48 किलोमीटर। तो आज करनाल में आने वाले हैं मेरे मम्मी पापा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगेज कम करना है मेरा। देखो मेरी मम्मी आज मेरे लगेज नहीं करनाल में, और पापा चाय लेने गए हैं अभी। अभी करनाल रह गया है हमसे जस्ट 48 किलोमीटर। जिला करनाल में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गड़बड़ कर देता हूँ यार बोलते हुए, पता नहीं क्यों जबान फिसलती है साली। जिला करनाल में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल है तो कल है हमारी यात्रा के लोगों। पेड़ बचाओ जल बचाओ के आधार पर जिला करनाल का भी अपना एक जिला प्रशासन जो करनाल है उनका भी एक स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जल है तो कल है। ये बहुत ही सही बात है यार, जल नहीं है तो कुछ नहीं है, और जल ही हमारा जीवन है, इसके बिना तो सब कुछ बेकार है। आप भोजन के बिना रह सकते हो परंतु जल के बिना जीना बहुत ही असंभव है। तो दोस्तों करनाल में आ चुका हूँ मैं, करनाल में एंट्री हो गई है और आपको मैं अभी रुका हुआ हूँ हरियाणा में एक पेट्रोल पंप पे, और भाई साहब मेरे को चाय पिला रहे हैं। ये देखो चाय है, और थैंक यू सो मच सर आप हमें चाय पिला रहे हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, करनाल लग गया है 25 किलोमीटर फॉर अवे फ्रॉम दिस लोकेशन, और मैं अभी इसके बाद करनाल में रुकने वाला हूँ। और ये कौन सा पेट्रोल लिया मैं? चिम्मा फिलिंग स्टेशन। चिम्मा, अच्छा अच्छा, ये इन्होंने बताया ये वाला फिलिंग स्टेशन है। और बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो मेरे जैसे, और मतलब यदि कोई इस तरीके का आता है लड़का यात्री का। और आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, आज करनाल में आने वाले हैं मेरे मम्मी पापा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगेज कम करना है, मेरा लगेज बहुत ज़्यादा है। और करनाल ही एक ऐसा रूट बचा हुआ था जो कि मेरे घर के सबसे पास में है, और यहाँ से मैं अपना बैग, जो मेरा बैग ये आप ये देख सकते हो कि जो मेरा बैग है इसको मैं उनको हैंड ओवर कर दूंगा, और थोड़ा सा हल्का मटेरियल अपने पास रखूंगा क्योंकि लगेज बहुत ज़्यादा है यार। और अभी मैं पहुंचने वाला हूं करनाल, करनाल ले गया यहां से कोई 15 किलोमीटर, मेन सिटी जो है 15 किलोमीटर के आसपास। और मम्मी पापा से मिलेंगे, आपको भी मिलवाएंगे, तो बने रहना। दोस्तों मैं बहुत ही पास में हूँ, और मेरठ चौक के आसपास मम्मी पापा रुके हुए हैं कहीं, और वहीं पे जाना है, सामान लेना है उनसे, और उनका सामान देना है, ये गाड़ी वाला सामान देना है, इसके बाद सामान देना है, और मेरठ चौक आने वाला है। देखते हैं कहाँ है मम्मी पापा। पापा जी दिख गए हैं हमें, हमें भाई पापा जी दिख गए हैं। मम्मी पापा सामने खड़े हैं, और देखते हैं कैसा रिएक्शन होगा।
हाँ जी मैं चढ़ा लूँगा आप रहने दो, चढ़ा लूँगा रुक जाओ, रुको 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 छोड़ दो, बस बस ना 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 वहाँ ना निकल पाओ, यहीं रहने दो ना आप, यहीं से निकलना, बस 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 बस। हेलो गाइस, देखो मेरी मम्मी आज मेरे से मिलना है करनाल में, और पापा चाय लेने गए हैं अभी, और भाई बहुत बढ़िया लग रहा है मिलके घर वालों से, आज 28 दिन बाद मिला हूँ, 28 दिन हो गए लगभग, 27 हाँ 27-28 दिन हो गए, और करनाल में अभी हम, मैं तो देखता हूँ मुझे कहाँ जाना है, फिर मम्मी पापा तो निकल जाएंगे, और सामान आया मेरे लिए, वो स्कूटी में रखा सामान, और मैं आपको मिलूँगा कहाँ, कहीं तो मिलूँगा ही, खैर मज़ा आ रहा मम्मी से मिल के, बहुत दिन हो गए। देखो गाइस मेरा नया लुक, मेरा नया हेलमेट और नया कैमरा जो कि मम्मी पापा ने ला के दिया है अभी, क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था और ये जब तक आया नहीं था, और मेरी ट्रैवलिंग की डेट आ गई थी मुजफ्फरनगर से निकलने के लिए, और ये सब मुझे मम्मी पापा ने ला के दिया है अब, और मैं अब आगे ट्रैवल करने वाला हूँ दिल्ली की ओर, आज मैं करनाल में हूँ, करनाल से मैं कल को दिल्ली के लिए निकल दूँगा, और आप बने रहना मेरे साथ, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और यहाँ से करनाल शहर की शुरुआत होती है, और ये रास्ता चला जाता है मेरठ मुजफ्फरनगर की ओर, और ये रास्ता सामने चला जाता है NH 44 पर दिल्ली की ओर, ये NH 44 पुल के ऊपर से भी जा रहा है, साइड से भी जा रहा है, और ये रास्ता जा रहा है मेरठ में, और इधर से हम आ रहे हैं कहाँ से भला, अंबाले से, ये रास्ता जाता है आपका अंबाला पंजाब और जम्मू। और अभी मम्मी पापा जा रहे हैं, बाय बाय बाय, पापा को बाय कर दो, ठीक है बाय बाय बाय। I'm